बेटा सुनियो, ये तेरे सुनने की बात है और इधर उधर मिलता ध्यान मत देना दोनों की। ये सात वचन है, यदि पूरी आते मम संपत्ति ग्रहण, जो कि आज तक, रोहित मेरी सुन, ये इनके वचन है कि जो आज तक तो जो भी तुमने आज दान ने पुण्य धर्म जो भी किया है उसमें अगर तुम मेरी सहमति लें तो मैं भाई आपके भाई अंग आऊँ। गोल स्वास्थ्य। दूसरा है, यदि दान कुरत अब अवस्था मम पालना कुरित, तीन अवस्था होती हैं। एक अवस्था से इनकी माँ बाप के यहाँ गुजर चुकी, इनने कन्यादान आपके लिए कर दिया, अब दो अवस्था रह गई हैं यानी जवाना और बुढ़ापा। अगर तुम मेरी भाव में दो अवस्था में अगर मेरी पालना कर सकें तो मैं आपके भाई अंग आऊँ। बोलो स्वास्थ्य। तीसरी, धन आदि गोपनीय संपत्ति ग्रहणा, जो कि आज के बाद जो भी धन संपत्ति जो भी बैंक बैलेंस लेन देन जो भी है उसमें भी अगर मेरी सहमति लें तो मैं आपके भाई अंग आऊँ। बोलो स्वास्थ्य। चौथा है, गवाद पशु विक्रय है मम संपत्ति, जो भी आज के बाद में गाय भैंस घोड़ा हाथी जो भी अगर आज अपने चार पहिए की गाड़ी जो भी कुछ खरीदना है जो भी सौदा करना है उसमें भी अगर मेरी सहमति ले तो मैं आपके भाई अंग आऊँ। बोलो स्वास्थ्य। हाँ जी, बसंत ऋतु पर से पालना कुरियंत, जैसे गर्मी है ठंड है जैसे बारिश का मौसम है उसमें मैं अगर मेरी पालना करें, जैसे गर्मी है पंखा है कूलर है, जैसे सर्दी का सूट है जर्सी है, जैसे जैसे भी वो अगर अवस्था आती जाएंगी उसमें अगर मेरी पालना करें तो मैं आपके भाई अंग आऊँ। बोलो स्वस्थ। क्यों कि अब तक तो तुमने केवल अपनी चिंता थी लेकिन अब आपके साथ में अग्रधानी आ गई। अग्रधानी किसे कहते हैं कि जो अपना आधा हक लेने के लिए तैयार है। बोलो स्वस्थ। संकी सुहागन सत कुटुंब भवते भवंता मांगे, जो कि जे कहीं संकी सहेलियों में या कहीं पड़ोसियों में या नातेदार में या रिश्तेदार में अगर इससे भूल से भी कोई गलती अगर हो जाती है तो घर पे ला करके फटकारना धमकाना कुछ भी बोलना लेकिन माँ जा करके इसकी बेइज्जती नहीं करोगे। अगर कुछ कहना है समझाना भी है फटकारना भी है तो घर पे बुला करके कुछ भी कह सकते हो एकांत में, यानी किसी के सामने बेइज्जती नहीं करोगे तो मैं आपके भाई अंग आऊँ। बोलो स्वस्थ। ये वचन मंजूर हैं, यूँ करो। हाँ बेटा, अब ये इनके वचन हैं, बड़े गौर से सुनना। आदो धर्म धरा कुटुंब संपदा मिटा सस्त जा धर्म ने, तो जो कि आदो धर्म तो तुमने अपने माँ बाप के यहाँ गुजार दियो, अब आज के बाद में जो धर्म इनके यहाँ है तुम्हारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ कैसी भी होती होगी आदो धर्म तो तुम्हारा वहाँ निकल गया, लेकिन उनको छोड़ के इनके घर में जो भी धर्म होगा उनमें आप इनकी सहमत में रहेंगे। बोलो स्वस्थ। स्वस्थ। जो कि प्रथम जो कि मेले कुल में सुख दे, जो मेरा कुटुंब है परिवार है नातेदार है रिश्तेदार है आलस छोड़ करके उनको अगर सुख दें तो मैं भाई अंग लूँ। इनका वचन ये है कि आलस नहीं करोगे, जैसे घर में कोई नातेदार रिश्तेदार बहन बेटी जो भी आ जाता है अड़ोसी पड़ोसी जो भी है चाय पानी बोलना बताना रामा श्यामा सबसे प्रेम से बोलना तो मैं आपको भाई अंग लूँ। बोलो स्वस्थ। जो कि मेरी बहन है मेरी बुआ है उन पर अगर क्रोध ना करें तो मैं भाई अंग लूँ। बोलो स्वस्थ। एक है, जैसे मेरे माँ बाप हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी अगर तुम टहल कर सको तो मैं भाई अंग लूँ। बोलो स्वास्थ्य। क्योंकि यहाँ कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं है, केवल अग्नि साक्षी है, क्योंकि आदमी तो बेचारे ऐसा बारात में आए हैं जैसे भी हैं अपने अपने घर चले जाएंगे लेकिन अग्नि सदावर हमारे अंदर बात करती है। बोलो हम अपने अपने वचनों पर रहेंगे तो परिवार हमारा जीवन भर सही रहेगा। बोलो स्वास्थ्य। दोनों हाथ करो दोनों। बोलो स्वास्थ्य। ठीक, अब हो जाओ खड़े हो जाओ और एक दूसरे को पीठ नहीं दिखानी है। आप घूम के इधर आ जाओ और आप घूम के इधर आ जाओ, पीठ नहीं दिखानी एक दूसरे के ना चेहरा करके घूम जाओ। हाँ, पीठ नहीं दिखानी है, एक दूसरे को देखते हुए घूमो। यूँ बैठ जाओ इधर, सोने का अंगूठी उतार भैया। रोहित इधर देख, रोहित निकाल ले। एक हाथ में तो भैया यहाँ पकड़ ले, उल्टे में तो यहाँ पकड़ लो और सीधे हाथ से सिंदूर लियो। मांग भर यहाँ से ही लगानी है, अगर खिंड भी जाते मुँह पे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहता सुहाग का है। तीन बार ओम सर्व मंगल मंगल गौरी नारायण ही नमो नमस्ते ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल सूत्र कहाँ है जी। थोड़ा लगा ले, पीछे चले जा।
इधर देख मंगलसूत्र हाँ चैन जो भी हो गले की जो गले का जो भी हो इधर देखिए यहाँ देखो लाओ कर दो पल्ला नीचे नहीं भैया अंगूठी ने पहले होती तो पैसे मेरी है जी पहना भैया ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तन ओ हरि ओम सर्व मंगल मंगल ऐसी साधर्मिके गौरी नारायणी नमो नमस्ते। अरे थोड़ा सा नेक कर दे फिर बहन जी बन लगा देंगे अपने आप हाथ लगा ले करिए अंदर पे ना देंगे थोड़ा सा मीठा है क्या कुछ गले में लगा ले बस ये छोड़ जो हाथ नीचे कर लो भाई इधर देखियो अरे कुछ भी हो मीठा हो भाई अंदर पे ना जी दे दे आप पहना दो भीतर पे राजी और अंत करके हाँ जी मम्मी पापा आ जाओ दोनों जने आशीर्वाद दो इन दोनों का सिर यूँ मिला दो कि भगवान जीवन भर ये यूँ मिल के रहे मन से आशीर्वाद दो दोनों को हाथ रख के आप बेटी के सिर पर हाथ रखो ये दोनों हाथों से यूँ दोनों इनके सुर यूँ जोड़ दो यूँ मिला दो यूँ आराम से इधर देखो आप भी ठीक है आ जाओ तो जी आप भी आ जाओ देखो वो मोरी लगाओ देखो ठीक है आ जाओ भाई और कुछ नहीं लेना आशीर्वाद ले जा भाई मीठो लाए कि थे क्या अच्छा रे रसगुल्ला ले आ कहीं नहीं जी तो मीठा मुख करा देंगे जी ये चम्मच दे दो हेलो वही देखो करा देंगे इधर देखिए हेलो जी आ जाओ भाई जी ना आशीर्वाद हाँ राधे राधे एकदम तत्काल एकदम कोई काम आ गया मैं वैसे यहाँ से पहुँच के ही आपके पास आऊँगा हाँ वो एकदम तत्काल काम आ गया ऐसा ही मुझे काम छोड़ के नहीं आना पड़ा कोई नहीं मैं आ रहा हूँ आधे हाँ आधे घंटे पहुँच जाऊँगा मैं आपके पास हाँ मैं थोड़ा ध्यान रही नहीं मैं यहाँ बिजी हूँ हाँ ठीक भैया आप टाइम मत करो भाई हाँ जी अब मालिक साहब कौन है यहाँ सीधे हाथ से पूरे देख भाई तू भी आशीर्वाद दर्द जमा हो गया ठीक है ये देखो सारे खटवा ले फोटो खटवा ले सारे आ जाओ भाई ऊपर देख रोहित हाँ जी मालिक साहब कौन है इनके साथ में इनके साथ में इनके साथ में इनके में सारे हमारे इधर देखो मुझे हाँ हाँ आशीर्वाद दर्द में भाई ये छोटा छोटा ऊपर देख ले भाई ना ना उस पर हट जाएंगे आप आओगे तो स्वामी ने तो खोले छोटा है तो क्या हो गया देखो जी आप भी यहाँ देखो ऊपर देख रहे रोहित यहाँ देख हाँ जी यहाँ देखो एक सामने ठीक है अच्छा गाता कर रहे हो क्या ये प्रॉपर्टी है ये भी ना देखो।